अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको मिल्क पुडिंग की रेसिपी दूंगी, तो उसके अज्जा आप नोट कर लीजिए। ये 1 लीटर मिल्क है जिसे मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है, राइट। इसके अंदर जाएगा जनाब 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, राइट, और इसमें 6 टेबलस्पून चीनी जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 2 टेबलस्पून इसमें रोज़ वाटर जाएगा और 4 टेबलस्पून क्रीम जाएगी। बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये कल मैंने जो आपको बताया था, ये स्ट्रॉबेरी क्रश, ये वो है, उससे हम टॉपिंग करेंगे। और जनाब ये कॉकटेल से, फ्रूट कॉकटेल से टॉपिंग करेंगे। और ये 1000 एंड 100 हैं, इससे हम इसकी टॉपिंग करके इसको हम सजाएंगे, राइट। करना हमें ये है, सबसे पहले हमें दूध के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देनी है। ठंडे दूध में ही हमें ये सब चीज़ें डाल देनी है। ये डालने के बाद शुगर हम इसमें डाल देंगे और हम क्रीम भी अपने इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके स्टोव को ऑन करेंगे, हम सब चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे। बहुत इजी है ये पुडिंग। जिन लोगों को अंडे की पुडिंग से प्रॉब्लम है, वो ये वाली पुडिंग खा सकते हैं, राइट। अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसके अंदर रोज़ वाटर भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर बाज़ार से मिल जाता है। अगर आपके पास रोज़ वाटर ना हो तो आप वनीला एसेंस डाल सकती हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल सकती हैं, ऑरेंज एसेंस डाल सकती हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो डालिए। ठीक है, ये हमने जनाब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब हम स्टोव को ऑन करेंगे, राइट। जब हमारा ये पुडिंग हमारी जब ठीक हो जाएगी, तब हम इसे अलग सर्विंग में भी इसको आपको गार्निश करके दिखाएंगे और एक बड़े बाउल में भी गार्निश करके दिखाएंगे, राइट। ज़्यादा ठीक नहीं हुई तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और ले लेंगे। ये देखिए मैंने लिया है, इसको मैं दूध में मिक्स करूँगी। दूध में मिक्स करके मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि हमें थिक फॉर्म में चाहिए, राइट। अब ये 3 टेबलस्पून पहले थे, 2 टेबलस्पून ये हो गया, तो ये 5 टेबलस्पून हमारा कॉर्न स्टार्च हो गया, राइट। अभी हम इसमें डाल देंगे, ठंडा होकर ये अच्छा खासा ठीक हो जाएगा, राइट। जब हमारा पुडिंग ठीक हो जाएगी तो उस स्टेज पर हम इसको डिश आउट कर लेंगे, राइट। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ऐसी है, राइट, ऐसी ही ठंडा होकर और ठीक हो जाएगी, राइट। और फिर ये ऐसे जम जाएगी, पुडिंग जमती है। अब हम इसे पहले अपनी सिंगल सर्विंग में हम इसे आपको सेट करेंगे, इसको डाल के फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे, राइट। सारी हमें ऐसे निकाल देंगे। ये रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है ये रेसिपी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम थोड़ी देर इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसकी टॉपिंग करेंगे, राइट। रेडी है सिंगल सर्विंग में। हम पहले इस पर, ये मैंने जो स्ट्रॉबेरी क्रश बताया था, ये सिरप हम इस पर डाल देंगे। इसमें भी मैंने जेलेटिन पाउडर मिक्स किया है, राइट। ये हम इस पर डाल देंगे, ये भी जम जाएगा फ्रिज में जाके। बहुत शानदार और बहुत मज़े की होती है ये, आप ज़रूर बनाइएगा। अमूमन पुडिंग जो है वो अंडे की बनती है, राइट, लेकिन ये मैंने आपको कॉर्नफ्लोर से बना के दिखाई है, राइट। अब हम इस पर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे, जिस चीज़ से चाहें आप टॉपिंग कर लें। ये मैंने इसमें कॉकटेल फ्रूट डाला है, राइट। उसमें हम ये डाल देंगे, 100 एंड 1000 हम इसमें डाल देंगे, राइट। थोड़े से डाल, बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो रखा करें। बड़ी अच्छी गार्निश की चीज़ें हैं ये, देखें कितना खूबसूरत लग रही है हमारी पुडिंग। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत शानदार है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बाद में 2 टेबलस्पून और डाला, राइट। देखें मैं कितनी खूबसूरत लग रही है पुडिंग, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।